नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी आज आपको हाथ की लकीरों से जीवन में आने वाली घटनाओं और परेशानियों के बारे में बताऊंगी कि हम अपनी हाथ की रेखाओं से सफलता के राज भी जानते हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे जीवन में जो असफलताएं मिलती हैं उसको हम अपनी हाथ की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान से हम अपने हाथों में होने वाले बहुत से रहस्यों को जान सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में होने वाले सफलता और असफलता का रहस्य हमारी हाथ की रेखाओं में ही छिपा होता है। अचानक हमारी रेखाएं बदलने भी लगती हैं, क्योंकि जीवन में सफलता मिलने का समय तय है तो असफलता मिलने का समय भी तय है। जीवन में सफलता तो सभी चाहते हैं, लेकिन असफलता मिलने लगे तो जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आने लगती हैं। इसके लिए अगर हम समय से पहले अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जान लें कि क्या ये परेशानियां हमें कब आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी रुकावटें आती हैं और हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता और हमें फल भी बहुत देरी से मिलता है। आइए हम जानते हैं कि हाथ की रेखाओं में ये योग कैसे बनते हैं जिससे कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं। कनिष्ठा उंगली में ये अचानक अगर रेखाओं का जाल आ रहा हो तो आप देखिए कि आने वाले समय में किसी न किसी लेकर कार्य में आपकी कठिनाई आ सकती है। इस समय में अचानक आपको गुस्सा आने लगेगा और आप अपनी वाणी का गलत प्रयोग करेंगे जिससे कि रिश्तों में भी खटास आएगी, कार्य में भी परेशानी आएगी। आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में खुद को ही घेर लोगे और ये रेखाएं किसी न किसी झगड़ों का न्योता दे रही है। अगर हाथ में शुक्र के पर्वत में अचानक कोई ना कोई जाल निकलने लगे तो आप समझिए कि गृहस्थी में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है और आपके मान सम्मान में हानि होने वाली है और जीवन में कठिनाई आएगी। अचानक से कोई बाहरी व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो पहले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही आपके दुख और परेशानी का भी कारण बन जाएगा। अगर शनि की रेखाएं अचानक दो भागों में बंटकर मध्यमा तक बढ़ने पड़े तो समझिए कि जीवन में संघर्ष का आगमन हो गया है। आप अपने जीवन में कीमती सामान और धन का ध्यान रखें, नुकसान हो सकता है। इस समय में नौकरी में भी परेशानी आएगी और आपके शरीर में भी दर्द शुरू हो जाएगा। अगर सूर्य की उंगली के नीचे रेखाएं बंट जाती हैं या जाल बनने लगता है तो आप ये देखिए कि अब असफलताओं का समय शुरू हो गया है। आपके मान सम्मान में कोई ना कोई प्रतिष्ठा को लेकर हानि रहेगी, नौकरी में भी परेशानी आएगी। इस समय बहुत ही आपको समझदारी से काम लेना है। बृहस्पति पर्वत के नीचे अगर छोटी छोटी रेखाओं का जाल हो, आपको कोई तिल का कोई ना कोई निशान आने लगे तो आप समझिए कि कठिनाइयों का समय शुरू हो गया। इस समय में बहुत मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलेगा और आपका अपना ज्ञान ही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर कोई रेखाएं लहराती हुई भाग्य तक रेखा तक पहुंच जाए तो समझिए कि मानसिक तनाव का समय आ रहा है। भाग्य भी इस वक्त में साथ नहीं देगा। नौकरी मिलते मिलते छूट जाती है या सिलेक्शन होते वक्त 99% तक आपके पास अवसर रहेंगे, लेकिन वह अवसर हाथ से चला जाएगा। इस समय आप कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं वह भी समय पर आपको समय पर फायदा नहीं देगा। मानसिक तनाव बेवजह बढ़ जाएगा जिसका कोई ना कोई कारण आपको नहीं समझ आएगा। राहु और शनि पर अचानक कोई रेखाएं शुरू हो जाए या हल्की हल्की रेखाएं बारीक बारीक शुरू हो जाए तो समझिए जीवन में संघर्ष शुरू हो गया। हमने इन रेखाओं से जाना कि हमारे हाथ में इन रेखाओं की वजह से परेशानी आ रही है, लेकिन अगर आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह मजबूत है तो आपकी आने वाली रास्तों में जो रुकावटें हैं वो कम होगी और आप उन रुकावटों पर विजय भी पा लेंगे। आप मेहनत करें और उपाय करने से यह रुकावटें खुद ही कम हो जाती हैं। आइए जाने कि कौन सा उपाय अगर हम लंबे समय तक करें तो इस तरह की परेशानियां कम हों। अपनी पैतृक स्थान में किसी भी तरह से पानी का कोई ना कोई प्रबंध करवाएं जिससे कि वहां पे आने जाने वाले को पानी की सुविधा हो सके। किसी की भी निंदा ना करें। सुबह समय पर उठे और पूरब की मुख की ओर बैठकर आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करें। गन्ने का रस का दान करें और मिठाई भी किसी कन्या को खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार को तांबे का सिक्का जल परवाह करें और दुर्गा की आराधना करें। 10 से 12 वर्ष तक की कन्या की सेवा करें। गुरुवार को गाय को चारा खिलाना शुरू करें। किसी से भी बेवजह उपहार या कोई भी ऐसी वस्तु ना लें जिसकी आप कीमत ना दे पाए। रात के समय दूध या दूध से बनी वस्तु का सेवन भी ना करें। अपने जन्मदिन पर अपनी माता से चांदी की चेन लें और अपने गले में धारण करें। आप भी अपने हाथों की लकीरों से अपने बारे में जान सकते हैं और
समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आपका समय कैसा आ रहा है, और अन्य अपने कार्य के बारे में, अन्य अपनी आने वाली परेशानी के बारे में भी आप जान सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ की रेखाओं से आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आने वाला समय परेशानी का कारण बन रहा है या कोई कठिनाई दे रहा है, तो हम आपकी मदद करेंगे और आपको रेखाओं द्वारा भी आपको बताएंगे कि इन उपाय के करने से आपके जीवन में परेशानी कम हो सकती है। हम इसी तरह से अपने विषय को लेकर आपके सामने फिर से आएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी विषय के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमसे कह सकते हैं। हम जल्दी ही नए विषय के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।